चलिए, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए देखिएगा, आपको पता है ये सीरीज की दूसरी क्लास होने वाली है रीजनिंग की, ठीक है। पहली क्लास में हम बहुत सारे सवाल किए थे, इस क्लास में भी करेंगे। तो मेरे भाई, जो भी सीरीज चल रही है डेली, ये आपके सोमवार से लेकर शनिवार तक कंटिन्यू चलेगी। इसमें एक मैथ की वीडियो, एक रीजनिंग वीडियो आएगी, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो उसको भी जाके देखिएगा। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए कर रहे हैं, जिसमें नए क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है, ठीक है। और हम इसमें क्या कर रहे हैं, टॉपिक टू टॉपिक सवाल कर रहे हैं और कुछ मिक्सअप क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो सभी सवाल का आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ इसको भी करिएगा और रिविजन करिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सवाल। देखिए भाई, सीरीज के सवाल हम लेने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज है। और यहां से देखो, एक नंबर सीरीज हो गई और एक अल्फाबेटिकल सीरीज हो गई, आपकी लेटर सीरीज हो गई। यहां से जीडी में क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप पेपर लगाओगे आपको खुद पता चल जाएगा। तो ये सीरीज मेरे भाई आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, सीरीज शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फंडा बता देता हूं, ध्यान से सुनना। आपके सीरीज में अप्रोच क्या लगाना है वो अच्छे से समझिएगा। देखो भाई, आपको पता है सीरीज, जैसे मान लीजिए ये सीरीज हमारे सामने है, तो कोई भी सीरीज आपके सामने आती है तो देखिए 70 से 80% सीरीज ऐसी होती है जो डिफरेंस से हो जाती है, लेकिन कुछ सीरीज ऐसी होती है जो डिफरेंस से नहीं होती है, कुछ दूसरे तरीके लगते हैं। तो मेरे भाई, हम उन्हीं के बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं। चलिए देखो भाई, अगर आपके सामने सीरीज आती है, पहले हम नंबर सीरीज की बात कर रहे हैं, फिर हम लेटर सीरीज भी करेंगे और अल्फाबेटिकल सीरीज जो भी होती है उनको भी देखेंगे। तो देखिए, आपकी जो सीरीज होती है ना, लगभग 70% सीरीज ऐसी होती है मेरे भाई जो डिफरेंस से हो जाती है। और ऐसा भी होता है कि किसी सीरीज में डिफरेंस का डिफरेंस होता है, मतलब अंतर लेने के बाद अंतर का भी अंतर चलता है। और आपको पता है, ऐसा भी देखा गया है कि जिन सीरीज में गुणा भागा हो रहा है वहां भी कोई कोई सीरीज डिफरेंस से हो जाती है। तो सीरीज कैसी भी हो मेरे भाई, उसको थोड़ा तर्क लगाइए कि अंतर जरूर लीजिएगा, डिफरेंस लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात करते हैं डिफरेंस का। डिफरेंस ये भी सीरीज में टाइप देखा गया है। और देखिए मेरे भाई, आपको वर्ग और घन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, वर्ग के आसपास की संख्या में प्लस माइनस कर देता है, ठीक है। कुछ मतलब मान लीजिए 6 का क्यूब करके प्लस कर दिया, 7 का क्यूब करके माइनस कर दिया, 6 का स्क्वायर करके प्लस कर दिया, 7 का स्क्वायर करके माइनस कर दिया, अर्थात वर्ग हो सकता है, घन हो सकता है, वर्ग घन होके प्लस माइनस हो सकता है, डिफरेंस का डिफरेंस हो जाए या डिफरेंस हो जाए, ठीक है भाई। अच्छा देखिए, दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि अगर आपको सीरीज थोड़ी बड़ी दिखाई देती है, बड़ी मतलब देखिएगा थोड़ी सी ज्यादा पद हो, जैसे सीरीज आपके सामने है 1 2 3 4 5, इस सीरीज में 5 पद है, ठीक है। आपको लग रहा है 6 7 8 9 पदों की सीरीज है, तो वहां पे डबल सीरीज भी चलती है मेरे भाई, ध्यान रखना हमेशा, वहां पे डबल सीरीज चलती है। डबल सीरीज का मतलब ये होता है एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक। यहाँ फिर आप देखिएगा, सीरीज में कभी कभी अधिक कम का कॉन्सेप्ट दिखता है, बड़का नंबर छोटका नंबर, बड़का नंबर छोटका नंबर, वहां पे भी अधिक कम हो तो डबल सीरीज चलती है, ठीक है। हमें पहचानना सीखना है सीरीज में, बाकी हम कर लेंगे। और सीरीज करने का एक ही फंडा है, जितने ज्यादा सवालों की आप प्रैक्टिस करोगे इतना अच्छा आपका चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। कुछ सीरीज होती है भाई लॉजिकल होती है, जो हमें सोचना पड़ता है थोड़ा ज्यादा, वो उनकी भी हम सवालों में बात करेंगे। चलिएगा देखते हैं पहला सवाल। देखो दोस्त, यहां पे बात करें, देखिएगा, अगर सीरीज आपको लगता है कि थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है तो मेरे भाई प्लस हो रही होती है, आपको लगता है कि थोड़ी थोड़ी कम हो रही है तो माइनस होती है। हमें लगता है कि सीरीज थोड़ी ज्यादा ही ज्यादा कम हो रही है तो हो सकता है हमारा डिवाइड हो रहा हो, क्योंकि डिवाइड करने से भी कम होती है। और अगर आपको लगता है संख्या बढ़ रही है, जैसे 40 से 80, 80 से 160, 160 से डायरेक्ट 640, तो मेरे भाई वहां मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है। तो अभी सीरीज में मल्टीप्लाई वाला कोई केस लग नहीं रहा है। अगर मैं इनका अंतर लू मेरे भाई तो 6 का अंतर है, अगर मैं यहां अंतर लू तो 7 का है, और मेरे भाई यहाँ पे 8 का अंतर है। बड़ी में से छोट की संख्या घटाओगे आपको पता चल जाएगा। तो अब कितने का अंतर होना चाहिए, तो 6 7 8 9, ये क्रम से चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 46 और 10 56 होता है, हमें 9 जोड़ना है, यानी हम बोलेंगे 55, 55 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा भाई, 55, ठीक है। इस सवाल को देखिएगा, चलिए भाई, अगर यहां मैं बात करूं कि यहां 70 80 80 90 के आसपास की संख्या है, यानी यहां भी मल्टीपल वाला केस नहीं होगा, तो अगर मैं यहां डिफरेंस लेता हूं तो कितने का आएगा, 6 का अंतर आएगा,
ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ 7 का अंतर आएगा, तो आगे के 8 का अंतर है, बिल्कुल है सर। तो अब किसका आ जाएगा, 9 का अंतर आ जाएगा, 9 का अंतर आ जाएगा। आपको बता दूं 96 में 10 जोड़ू तो 106 हो जाएगा, हमें 9 जोड़ना है तो 105 होगा। 105 कहाँ है, पहले ऑप्शन में है, यही मेरा आंसर है, 105 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला सवाल, अच्छा देखिएगा मेरे भाई, समझना, आपको यहाँ पे अंतर लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप देखो तो आपको वर्ग दिखाई दे रहा होगा, ये 13 का वर्ग है, ठीक है मेरे भाई, ये 11 का वर्ग है तो ये 7 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है तो ये 3 का वर्ग है। तो आप बताइए अब आगे 2 का वर्ग आएगा कि 1 का वर्ग आएगा, ठीक है, 2 का वर्ग 4 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है। देखो मेरे भाई, सीधी सी बात मैं बताऊं, अगर आप यहाँ 1 लिखते हो तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन 1, 3, 5, 7, 9, 9 क्यों नहीं लिखा उसने, समझ रहे हैं, 9 नहीं लिखा है मतलब विषम संख्याएं नहीं चल रही है, जो संख्या चल रही है वो है अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या चल रही है। बोले सर अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद की पहाड़े से कटती है, अन्य किसी से नहीं कटती, ठीक है, 1 से कट जाती है और खुद के पहाड़े से कटती है, अन्य किसी से नहीं कटती। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बोलू 17 से कटता है या फिर इसको 1 काट पाएगा, 13 इसको देखिएगा कावी 13 ही काट सकता है और 1 काट सकता है, बट मैं लिख दू 27 तो 27 विषम संख्या है बट 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 27 से कटेगा, और जैसे 15 3 से कटता है, 5 से कटता है, तो बाबू ये भाज्य है, ये भाज्य है, और ये संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। और एक और चीज आपको पता होगी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो यहां जो चल रही है ना भाई, वो अभाज्य संख्या चल रही है, कैसे, 2, 3, 5, 7, 9 तो है ही नहीं क्योंकि विषम होते हैं और 9 विषम है, ठीक है, 9 नहीं दिया उसने, तो 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, तो हमें 2 आंसर नहीं लगाना है, हम आंसर लगाएंगे 4, कहां है, चौथे ऑप्शन में। चलिएगा आगे बढ़ते हैं भाई, इसको देखिए, 3, 8, 11, 19, 30, 49। देखो भाई, सीरीज डिफरेंस हो जाए अच्छी बात है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, इसमें एक लॉजिकल काम हो रहा है कि इसने अगले पद को जोड़कर, मतलब कि पिछले पद को जोड़कर अगला पद बनाया है, कैसे देखिएगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 8 और 3 तो 11 होता है, सहमत हैं, 8 और 3 11 होता है, ऐसी 11 और 8 कितना होता है, तो 19 होता है। अभी मैं 19 में 11 जोड़ दूं तो 30 होता है, ठीक है भाई, और अगर मैं 30 में 19 जोड़ दूं तो 49 होता है, 49, और हम 49 में 30 जोड़ दें तो वो हो जाएगा 79, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 79, तो हमारा आंसर होगा 79। आई होप आपको तरीका समझ आ गया होगा। चलिएगा तो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिएगा क्या है सामने सवाल, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, देखो मेरे भाई यहां स्क्वायर दिख रहा है, कोई कोई क्यूब भी है, जैसे बात करते हैं ये 4 का स्क्वायर है तो ये 5 का क्यूब है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 2 का स्क्वायर है तो ये 1 का क्यूब है, मतलब बात समझिएगा क्या चक्कर है यहां पे, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो अब क्यूब आ जाना चाहिए, ठीक है, तो ये बताइए 7 का क्यूब क्या होता है, 343 हमारा आंसर हो जाएगा। बोले सर आगे का क्या है, आगे का ये है मेरे भाई 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, 0 का क्यूब भी 0, 0 का स्क्वायर भी 0, 1 का स्क्वायर भी 1, 1 का क्यूब भी 1, मेन सवाल तो हमारा यहां से शुरू है, ठीक है ध्यान रखिएगा, 343 आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, इसको देखिएगा, यहां हम देखें तो हमें 15 का डबल दिख रहा है, 15 दूना 30, 30 और 1 31,
अगर हम 31 का डबल करें तो 31 दुना 62, 62 और 2 64, ऐसे ही हम 64 का 3 गुना करें, 64 का 2 गुना, 64 दुना 128, 128 में 3 जोड़ेंगे तो 131। तो अब हमें क्या करना है मेरे भाई, 131 का 2 गुना करना है और उसमें जोड़ना कितना है, तो 1, 2, 3, 4 अर्थात उसमें 4 जुड़ेगा। तो 131 का हम 2 गुना कर देते हैं, 2 एकम 2, 3 दुना 6, फिर 2 एकम 2, इसमें जोड़ कितना देते हैं, 266 आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले टाइप की ओर चलते हैं, सुनिएगा ध्यान से। आपको पता होगा कि मैंने अभी बताया कि सीरीज के ऊपर भी सवाल आता है और भी सीरीज में आपको आगे की क्लास में कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे अभी अंग्रेजी वर्णमाला में भी मेरे भाई सवाल आता है। अब देखिए इस प्रकार की सीरीज आपके एग्जाम में पूछी जाती है, क्वेश्चन देख लीजिए इस प्रकार से। तो यहाँ पे इस सीरीज को करने के लिए भाई आपको अगर नंबर अच्छे से आते हैं तो आप सीरीज को कम समय में बेहतरीन कर पाओगे, तो आप अपने स्तर पे अंग्रेजी वर्णमाला के यानी ABCD के आप नंबर अपने स्तर पे इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये आपका अंग्रेजी वर्णमाला हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया या फिर सीरीज हो गया, इन सब में आपका काम देगा, ठीक है। अभी हम सवालों की प्रैक्टिस करते हैं कुछ, जैसे कि मैं आपको बताऊं यहाँ पहले वाले का रिलेशन पहले से, फिर इस पहले का इस पहले से देखिएगा, ठीक है। नहीं जमता है तो फिर इन सबको देखेंगे, हो जाएगा। देखिए जैसे मैं बात करूं इस कितने पे आता है, तो भाई ये 18 पे आता है, तो ये 18 पे आता है तो ये 17 पे आता है, ये 17 पे आता है तो ये 16 पे आता है, तो संख्या कम हो रही है, 18, 17, 16, 15, तो अब आएगा 14। क्या आएगा, 14, और 14 पे कौन आता है, एन आता है। आप देख रहे होंगे ऑप्शन में, ऑप्शन आपकी मदद करेंगे, एक ही ऑप्शन में एन है, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर हम आगे इसको करते हैं तो 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, है ना, नंबरिंग बोलिएगा, 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 और 2 हो जाएगा 18, तो भाई 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20, यानी हो जाएगा एनटी, एनटी। आगे देखिएगा, एक सवाल इसलिए पूरा बता रहा हूं मैं, 13 है तो सर 10 हो गया 3 माइनस, 10 से 7 हो गया 3 माइनस, 7 से 3 हो गया 4 माइनस, है ना, मतलब कि यहाँ पे 7 में से 4 हो गया, 7 से 4 हो गया 3 माइनस, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 पे क्या आता है, ए आता है, ठीक है भाई। चलिएगा अब 20, ये हो गया 24, 20, 24, और फिर 2 कैसे आ गया सर, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे 20 से 24 हुआ, ये 24 पे आता है, 20 से 24 पे हुआ है, तो ये बताइए अगर आप 24 में 4 जोड़ते हैं तो 24 और 4 कितना होगा, 28, 24 में 4 होगा 28, और आपको बताया 28 पे बी आता है और 2 पे भी बी ही आता है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला 26 पे खत्म होती है और 26 पे जेड आता है, 27 पे ए, तो 28 पे बी, यानी 2 नंबर पे भी बी आता है, 28 पे भी बी आता है। और जब हम यहाँ पे कितना जोड़े थे 4, तो यहाँ 4 जोड़ेंगे तो 6 आएगा जो कि लिखा है, और 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा जो कि हमारा इस ऑप्शन में आंसर है। पहचान तो हम पहले ही गए थे, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता रहा था, ठीक है भाई। अगर वास्तविकता में अगर आपको नंबर याद है तो ये आपके लिए चुटकियों में हो जाएगी, नंबर नहीं भी याद हो तो मेरे भाई इसी चैनल पे कोडिंग डिकोडिंग की 2 क्लास पड़ी है, आप जाके उसको देखिएगा, नंबर भी याद हो जाएंगे और कुछ सवाल भी आप सीख जाओगे, ठीक है। तो अभी इसको देखिएगा, इसकी हम नंबरिंग कर दें तो 1, 3, 6, 8 और 13 यही दिया है। अब यहां पे आप देखिएगा मेरे भाई कितने का अंतर है, तो 2 का अंतर है, यहां पे 3 का अंतर है, यहां पे 2 का अंतर है, तो आगे कितने का होना चाहिए, 3 का, क्योंकि 2, 3, 2, 3, ठीक है, तो 8 और 3, 11, फिर 11 और 2, 13, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, ठीक है। तो यहां 11 पे कौन आता है, तो आप भी पता है 11 पे के आता है, के फॉर कटरीना, आपका आंसर हो जाएगा के। चलिएगा इसको देखिए, इसमें क्या क्या प्लस हो रहा है और क्या क्या माइनस हो रहा है ना, नंबर चाहिए तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी इसमें। ये 1 और ये 4, ये 7, तो मैं लिखता हूं 1, 4, 7, तो भाई कितना प्लस हो रहा है, दिख रहा है आपको, 1 और 3, 4, 4 और 3, 7, तो भाई 7 और 3, 10, 7 और 3, 10, आपको पता है 2 ऑप्शन में जे है, यहां भी जे है, यहां भी जे है, मतलब ये तो गलत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 22 पे वी आता है, 19 पे एस आता है, 16 पे पी आता है, कितना माइनस हो रहा है, 3, ठीक है।
22 में से 3 घटाएंगे 19, 19 में से 3 घटाएंगे 16, 16 में से 3 घटाएंगे 13, 13 पे एम आता है, और 13 में से 10 घटाएंगे तो जे, मतलब बिल्कुल हम सही जा रहे हैं, ये वाला भी गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, आप चाहें तो आगे चेक कर सकते हैं। चलिएगा अगला सवाल, बोले इसमें भी नंबरिंग होती है, बिल्कुल होती है मेरे भाई, ये भी कंटिन्यू सीरीज चल रही है, जैसे कि 14 पे ये आता है तो ये 16 पे आता है, तो ये 18 पे आता है, कितना कितना प्लस दिख रहा है, 14 और 2 16, 16 और 2 18, तो 18 और 2 20, 20 मतलब यानी कि आर, ठीक है समझ रहे हो, 20 यहां पे आएगा, 20 पे टी आता है, T20 मैच याद रखिएगा ये 20। चलो 15 और 2 17 और 2 19, 19 और 1 20 और 1 21 यानी टी यू पहली बार टी एक ही ऑप्शन में था, ये आंसर हो जाएगा। आखिरी वाले को भी देख ही लेते हैं, 1 2 3, तो 4 पे कौन आता है, डी, टी यू डी आपका आंसर हो जाएगा, टी यू डी। ठीक है चलिएगा एक और क्वेश्चन, तीन और दो पांच, ये तभी होगा जब नंबरिंग अच्छी होगी, ठीक है मैंने आपको बता दिया है, तीन और दो पांच, तो पांच और दो सात हो जाए, तो सात और दो नौ, नौ दो ग्यारह, बिल्कुल सही है, किस ऑप्शन में जी है, क्या सभी ऑप्शन में जी है, 16 और दो 14, 16 और दो 14, 16 से 14 हो गया, मतलब 2 माइनस हुआ है यहाँ पे, तो 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, 12 में से 2 घटाएंगे 10, और 10 में से 2 घटाएंगे 8, सही है। अब देखो यहाँ किसी में 2 प्लस कर रहा है, किसी में 2 माइनस, जैसे यहाँ 6 से 8 कर दिया 2 प्लस, तो 8 से 10 हो जाना चाहिए, और 10 से 12, 12 से 14, ठीक है, और आखिरी वाले को भी निकाल ही लिए, क्यों छोड़े हम, इतना कर लिए हैं, तो 7 से 5 कितना माइनस हो रहा है, 2 माइनस, तो 5 से मैं कितना कर दूं, 5 से मैं कितना कर दूं, 3, यानी कि 2 माइनस कर देता हूं, तो 7 में से 2 गए तो 5, 5 में से 2 गए तो 3, 3 पे सी आता है, और 3 में से 2 जाओगे तो 1 आएगा, 1 पे ए आता है, बोले 1 से 25 कैसे आएगा, अभी बताया था मैंने आपको, ध्यान से सुनिएगा कि 1 पर ए आता है, आपको पता है 27 पर भी ए ही आता है, क्यों भाई, 26 पे वर्णमाला खत्म हो जाती है, जब इसमें से 2 घटाओगे तो 25 आएगा, और 25 पे कौन आता है, y, वही तो यहां लिखा है, बाकी आपका आंसर यहीं से पकड़ में आ जाता, जी एल जे, है ना, यहां लिखा होगा, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन में है, जी एल जे सी आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, और जो भी आंसर है वो कमेंट में दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है भाई, और कोई है सवाल इसके अंदर, चलिए इसको देखो, देखो भाई हमें यहां पे सीधा सीधा 100 का आधा दिख रहा है ना, 100 का आधा 50, तो अगर हाफ कर दिया जाए तो आधा कर दें 50, 100 का आधा 50, और 50 में 2 जोड़े तो 52, तो बताइए 52 का आधा 26, और 26 में 2 जोड़े तो 28, ऐसी 28 का आधा 14, और 14 में 2 जोड़े तो 16, ठीक है भाई, तो अब आगे बढ़ते हैं, 16 का आधा 8, और ये बताइए 8 में 2 जोड़े तो 10, तो ऐसे ही 10 का आधा, 10 का आधा 5, और 5 में हम 2 जोड़ दें तो 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 7 हमारा आंसर हो जाएगा, पीछे से देखोगे तो गुणा करते हुए आएगा, इधर से जाएंगे तो भाग देते हुए जाएंगे, ठीक है। ठीक है भैया, तो इनको आप कर लीजिएगा, बाकी एक दो सीरीज और है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, करना है आपको भी नहीं छोड़ देना है किसी और के लिए, ठीक है भाई, इनको आप कर लीजिएगा, और भी हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे अगली क्लास में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।